Hi coders, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से pure HTML, JavaScript और CSS की मदद से accordion किस तरह से create करें। Accordion एक specific component है किसी भी website का जो आप create कर सकते हो pure HTML, CSS और JavaScript की मदद से, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है, या फिर आप कहीं पर भी कोई भी फोल्डर क्रिएट करके, मैं इसको नाम दे रहा हूँ अकॉर्डियन, और मैं इस फोल्डर को ओपन कर रहा हूँ। और अगर आपने विजुअल कोड स्टूडियो VS कोड को इंस्टॉल नहीं करा है तो पहले इंस्टॉल कर लिए तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा। तो राइट क्लिक करके मैंने ओपन विद कोड करा है, आप इस फोल्डर को VS कोड में ओपन करना है। तो यहाँ पर न्यू फाइल आपने क्रिएट करना है, न्यू फाइल का नाम होगा index.html, और तीन हमें फाइल क्रिएट करना है, पहला index.html, दूसरा style.css, और तीसरा जो होगा, जो तीसरी फाइल होगी वो JavaScript की फाइल होगी, उसका नाम script.js हम लोग रख रहे हैं, मैं रख रहा हूँ। तो आपने ये तीनों फाइल क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद सबसे पहले index.html पर तो आप टाइप करें एक्सक्लेमेशन मार्क, तो ये आपको एक एमेट एब्रिवेशन देगा। आपने इंटर करके HTML5 के टेम्पलेट को, टेम्पलेट के बॉयलर प्लेट को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो मैंने सबसे पहले इसका टाइटल दे दिया, और इसमें मैं style.css और script.js, स्क्रिप्ट की फाइल और css दोनों फाइल को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब इन दोनों फाइलों को ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पर, मैं एक h1 टैग लगा रहा हूँ अकॉर्डियन एग्जांपल लिखकर, मैंने h1 टैग क्रिएट करा है, और आपने बटन क्रिएट करना है। बटन के क्लास हम लोगों ने लगाया है अकॉर्डियन, और एक div क्रिएट करना है जिसका क्लास होगा पैनल, और इसमें लॉरम स्पम मैंने अपना छोटा सा पैराग्राफ दे दिया है। अब मैं इसको कॉपी करके तीन मरतबा इसको कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तीन बना रहा हूँ अकॉर्डियन में, तीन बना रहा हूँ। कंप्यूटर के नेम को चेंज करके मैं लैपटॉप रख रहा हूँ, और यहाँ पर मोबाइल रख रहा हूँ। इसके बाद मैंने अपने style.css पर जाना है, और यहाँ पर डॉट अकॉर्डियन को सबसे पहले आपने इसको स्टाइल करना है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया, कलर दे दिया, और फॉन्ट साइज ये सब आपने सेट करना है, मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। पैडिंग 18 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, कर्सर पॉइंटर, और आउटलाइन नन, और बॉर्डर नन। तो आपने अपने हिसाब से स्टाइल करना है अपने फाइल को। index.html पर मैं जाता हूँ, और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, और इसको चेक करता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं। तो अकॉर्डियन एग्जांपल ये, इसको थोड़ा सा हम लोग और स्टाइल करते हैं, डॉट एक्टिव, और होवर करने पर इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ये। और बेसिकली मैंने इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा दिया है, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी सी स्पीड चल रही है। मैंने यहाँ पर अकॉर्डियन आफ्टर करने पर यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो प्लस का साइन होगा, इसलिए कंटेंट ये प्लस का साइन है, और इसको कलर मैंने डिक्लेयर करा है फ्लॉट, ये राइट वे हो जाए, और मार्जिन लेफ्ट यहाँ इसका 55 पिक्सल हो जाए। अब अकॉर्डियन पर जब क्लिक करने के बाद क्या हो, क्लिक करने के बाद हो जाए कंटेंट, यानी कि माइनस का साइन आ जाए, और डॉट पैनल इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, स्टाइल देते हैं, मार्जिन 0 18 पिक्सल, और फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर वाइट, और इसमें मैक्स हाइट
हाइट को हमने ज़ीरो कर दिया क्योंकि नहीं दिखना चाहिए, और ओवर फ्लो को हिडन कर दिया और ट्रांजिशन इज इन आउट कर दिया। और पहले में भी अकॉर्डियन में भी हम लोगों ने ट्रांजिशन ऐड करा है। अब डॉट पैनल ये क्लास हम लोगों ने आफ्टर क्या हो इस क्लास को ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने एक लॉजिक गलत लिखा, मैंने क्लास नेम गलत लिखा है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। इसमें कोई स्टाइलिंग हमें दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो अकॉर्डियन जो क्लास हम लोगों ने लगाया था, अकॉर्डियन जो क्लास मैंने लिखा था, ये देखें ओ मैंने ऐड नहीं करा था अकॉर्डियन के क्लास में, तो मैं ओ ऐड कर देता हूँ और आप देख लें ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर लें। लेकिन इसमें प्लस का साइन चेंज नहीं हो रहा है और ये अकॉर्डियन हमारा नहीं दिख रहा है, इसलिए स्क्रिप्ट में हमें जाना है, जावा स्क्रिप्ट की फाइल को हमें इसमें हमें लॉजिक लिखना है। वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर करा अकॉर्डिंग ACC गेट डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम अकॉर्डियन, और वेरिएबल आई को डिक्लेयर करा और फॉर लूप चलाया। फॉर लूप चलाने के बाद इसमें हम लोगों ने फॉर लूप की कंडीशन को रखा और ये हमारा अब ये वर्क करेगा जब आप इसका फॉर लूप चलाएं। तो फिर अब इसको सेव करके मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर करा तो ये वर्क कर। तो अकॉर्डियन एग्जांपल को हम लोग सेंटर में कर लेते हैं। तो styling.css पे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पर H1 टैग को टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ, ये हमारा वर्क कर रहा है, बिल्कुल ही वर्क कर रहा है, अच्छी तरह वर्क कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 9Technoir चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई नेम इज़ रिजवान एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट वन।